हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की होमियोस्टेसिस की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो है एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे, तो एमसीक्यूज को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 15 चैप्टर होमियोस्टेसिस एमसीक्यूज। और फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी वाइल एडजस्टिंग द चेंज इन द कंडीशंस। अब ऐसा सिस्टम जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, सारी चीज़ों को एक जगह पर रखता है और चेंजिंग कंडीशन को एडजस्ट करता है, वो कौन सा सिस्टम है? होमियोस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन या फिर बायोलॉजिकल रिदम। तो ये हमारे पास होमियोस्टेसिस है, ये हम पूरा चैप्टर हमारा इसी पे बेस्ड था। दूसरा है हमारे पास विच डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होमियोस्टेटिक कंडीशन रेदर देन इट इंटेंसीफाई द चेंज इन हैपनिंग इन द बॉडी। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि एक हमारे पास जो बॉडी के अंदर चेंज आ रही है कंडीशन, उसको कम करने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसको इंटेंसीफाई कर देता है, उसको चेंज को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, उसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव है, और या फीडबैक मैकेनिज्म है या एक्सक्रीशन है। तो इसका हमारे पास सही आंसर होगा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, हम जब भी कोई बॉडी में चेंज आता है तो उसको और ज़्यादा चेंज को बढ़ा देता है, जिससे अल्टीमेटली बॉडी को एक फ़ायदा ही होता है। उसके बाद थर्ड है थर्ड हमारे पास है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आल्सो हैव स्पेशलाइज सेल्स लोकेटेड इन देयर गिल्स एंड स्किन्स एक्टिवली एक्सट्रैक्ट सोडियम एंड क्लोरीन आयन फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम एंड एक्सक्रीट एच प्लस एंड बेसिक हाइड्रो, ये हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन्स हैं, फॉर एसिड एंड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स। तो ऐसे कौन से सेल्स मौजूद हैं फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, गिल्स के अंदर या स्किन के अंदर, इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि सोडियम और क्लोरीन आयन्स को बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में एच प्लस आयन्स और बाइकार्बोनेट आयन्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ऐसे कौन से सेल्स हैं इनके पास? तो यहाँ पर हमने बुक में पढ़ा था, यहाँ पर आयनोसाइट्स होते हैं, ये सेल्स जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं जो आयन्स को बाहर निकालते हैं और दूसरे कुछ आयन्स को अंदर लेते हैं पीएच को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद फोर्थ है रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ WBRBC। रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए किडनी से एक हार्मोन आता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? एरिथ्रोपोएटिन है या ल्यूकोपोएटिन है, थ्रोम्बोपोएटिन है या रेनिन है? तो इसका आंसर होगा एरिथ्रोपोएटिन, ए जो है इसका आंसर सही होगा। एरिथ्रोपोएटिन किडनी से निकलता है और RBC को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। फिफ्थ है ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज सेल्स रैप्ड अराउंड द ब्लड कैपिलरीज हैव एंड प्ले एक्टिव रोल इन प्रिवेंटिंग प्लाज्मा प्रोटीन एंटरिंग द यूरिनरी फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलस के अंदर के कौन से स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को ब्लड से बाहर जाने में और जो है यूरिनरी फिल्ट्रेट के अंदर उनको प्लाज्मा प्रोटीन को जाने में रोकते हैं, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन को फिल्टर आउट होने से रोकते हैं, ऐसे कौन से सेल मौजूद हैं ब्लड कैपिलरी के अंदर? एपिथेलियल सेल हैं, एंडोथेलियल सेल हैं, पोडोसाइट सेल हैं या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा पोडोसाइट सेल, बी आंसर इसका जो है वो करेक्ट होगा। तो पोडोसाइट सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर होते हैं और ये प्लाज्मा प्रोटीन को फिल्ट्रेट के अंदर जाने से रोकते हैं। उसके बाद नंबर सिक्स है ट्यूब्यूल्स सीक्रेट आयन सच एज हाइड्रोजन पोटेशियम एंड अमोनिया इन टू द फिल्ट्रेट वाइल रीअब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयन्स फ्राम द फिल्ट्रेट आर कॉल्ड। कौन सी ट्यूब्यूल हैं जो कि हाइड्रोजन पोटेशियम आयन और इनको फिल्ट्रेट के अंदर सेंड करती है? तो ट्यूब्यूलर सीक्रेशन कहाँ पर होती है? तो ये ज़्यादातर हमारे पास मेनली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर होती है, तो इसका बी आंसर जो है ये करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं नंबर सेवन पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो स्पीड है फिल्ट्रेशन की, इज विच इज़ प्रोपोर्शनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन विच प्रोपोर्शन टू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एग्जर्टेड बाय ग्लोमेरुलस वाल। तो ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रही है उसका जो स्पीड है, उसकी रेट है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो जो है किस प्रोपोर्शन में है प्रेशर के साथ, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, सेम प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या हाई प्रोपोर्शनल है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा प्रेशर होता है उतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन रेट होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास सेवन क्वेश्चंस। नंबर एट पे आते हैं, एन अदर कंपाउंड दैट इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन इनर मेडुला
मेडुला के इनर हिस्से के अंदर ऐसा कौन सा और एक कंपाउंड होता है जो कि अंदर की कंसंट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है? तो हमने पढ़ा था कि नीचे वाले हिस्से में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, और कलेक्टिंग डक्ट से भी यूरिया कुछ एक्सक्रीट होता है जो कि कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, वाटर है, फॉस्फेट है, सल्फेट है या यूरिया है। तो इसका सही आंसर हमारे पास यूरिया होगा, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। द इन्फ्लेमेशन इन द किडनी ड्यू टू इरीटेशन ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड, किडनी स्टोन की वजह से किडनी के अंदर जो इरीटेशन होती है उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है, तो किडनी स्टोन की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन होती है उसे हम कहते हैं लिथोनेफ्राइटिस। लिथो का मतलब है किडनी और नेफ्राइटिस जो है इन्फ्लेमेशन होती है, तो लिथोनेफ्राइटिस ये हमारे पास किडनी का इन्फ्लेमेशन है। लास्ट है हमारे पास, इफ़ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बिकम हॉट द पर्सन डूज स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़, अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाए या कोई इंसान ज़्यादा एक्टिविटी करे तो उसकी वजह से उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है अपनी सूटेबल लिमिट से, वो बढ़ जाता है 37 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। तो इसका बी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे, होपफुली आपको एमसीक्यूज समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।